व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं आ गया हूँ वॉन मिल्स। सो वॉन मिल्स एक ऐसा आउटलेट मॉल है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्पेशली मैं यहाँ पे आया बिकॉज इट इज़ मिड ऑफ अक्टूबर और ठंडी बढ़ गई है। फॉल सीजन मतलब चालू हो गया है धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, बट ठंडी बढ़ रही है। सो आई हैव टू डू माई विंटर शॉपिंग। सो स्पेसिफिकली आई हैव कम टू वॉन मिल्स for my winter shopping. So I'll be buying winter jackets, I'll be buying shoes, I have to buy gloves, aur bhi dekhte hain socks wagar lena hai. So I'm not sure what all will I get inside, but I'm pretty sure that I'll get shoes and I'll get winter jacket. Those are the most priority for me right now, because thand mein meri literally bahut fat jati hai, isiliye. सो लेट्स जस्ट गो एंड चेक आउट, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के भी शूज़ होते हैं, अडिडास, नाइकी, कोलम्बिया। सो और ये सब बहुत ज़्यादा बड़ा है। शॉपिंग करने वगैरह आते हो तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि देर इज़ दिस वाटर प्रूफ और कितने तक वो कोल्ड रजिस्ट कर सकता है। सो इट सेज -30 एंड इट इज़ फॉर 179। ठीक है, नॉट दैट ग्रेट, देखते और। ये वाले मुझे पसंद आए, कोलंबिया के अच्छे दिख रहे हैं। इट्स फॉर 159, बट देन आई हैव टू चेक बिकॉज यहाँ पे वाटरप्रूफ लिखा है और थिन सुलेट वॉर्म लिखा है। सो आई हैव टू चेक इफ इट इज अवेलेबल फॉर द विंटर। यू कैन गेट फॉर्मल शूज़ ओवर हियर एज वेल, क्रॉक्स वगैरह भी मिलते हैं, ओरिजिनल क्रॉक्स विच इज़ फॉर $54-$55। ये सारे अंडर $100 है। सो ये फॉर्मल शूज़ वगैरह तो अभी तो ज़रूरत नहीं है, जब कॉलेज वगैरह चालू होगा, फेयरवेल होगा, तभी ये लेंगे हम लोग। मतलब अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बट इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ ये वाले स्पेसिफिक स्टोर में, द शू हाउस और समथिंग, आई हैव नो आइडिया क्या नाम था, आई फॉरगॉट। बट एक देखे मैंने जो कि कोलंबिया के है, जो मुझे पसंद आए ये वाले। सो ये वाले है, बट ये वाले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। I don't know, and it is costing me around $160, which is above my budget, I think. I'll have to check, like I'll go somewhere else also, check it out, or agar nahi pasand aaya then I can come back over here anytime and then I can get this. यहाँ पे भी लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के ही कलेक्शंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज ये सारे जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं वो लड़कियों के हैं, एंड दीज आर द विंटर कलेक्शंस बेसिकली। तो यहाँ पे ऐसे ही क्लियरेंस सेल में वगैरह शूज़ लगा है। सो ये वाला एक शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, बट आई नो दिस इज़ नॉट विंटर वाले शूज़, बट इसमें अभी ये कैसा है, दिस इज़ फॉर $89 एंड दिस इज़ पर्पल। सो वहाँ पे इट विल टेक 40% ऑफ, सो 89 वाला जो रहेगा इट विल कॉस्ट मी अराउंड $53। सो अभी मैं फ़िलहाल नाइकी के आउटलेट मॉल में आया हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी दिस शूज़, दैट्स फॉर 119, इसके ऊपर एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा, विच विल बी अराउंड, इट विल कॉस्ट अराउंड 6,000, जो कि इंडिया में यही वाला सेम शूज़ आई थिंक सो 12,000 या 10,000 के ऊपर मिलेगा। सो ये आउटलेट मॉल है तो यहाँ पर सब कुछ मतलब बहुत वैरायटी मिलती है, एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट इट एट अ चीपर रेट। हाँ, आने के बाद मैं पागल हो रहा हूँ लिटरली, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है, स्पेशली शूज़ को लेके, कपड़ों को तो नहीं बट शूज़, यहाँ पे हर एक चीज़ के शूज़ अवेलेबल है, एंड दैट टू एट अ वेरी चीप रेट। सो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे अच्छे, सो लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ये सारे जो भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे विंटर जैकेट्स हैं, सॉरी विंटर शूज़ है। वाई एम आई कन्फ्यूज? सो देखते हैं क्या प्राइसिंग वगैरह है। दीज आर फॉर गर्ल्स। अभी मैंने 3-4 स्टोर्स घूमे तो वहाँ एक जगह पे था बट वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, इट वाज अराउंड कॉस्टिंग अराउंड $250-$300, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर द बजट है। सो इसलिए क्लियरेंस वगैरह सेल अगर किधर लगा होगा यहाँ पे तो मैं देखता हूँ वहाँ पे शूज़ वगैरह मिलते हैं, तो होपफुली आई जस्ट गेट इट प्लीज़। Oh.
तो बहुत ज़्यादा घूमने के बाद, बहुत ज़्यादा शॉप्स घूमने के बाद कुछ नहीं मिला फाइनली, बस ये एक जैकेट मिला है विच इज़ नॉट अ विंटर क्लोथिंग, तो मैं इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो आई एम हियर एट अ प्लेस कॉल्ड एज आउटडोर वर्ल्ड. तो यहाँ पे बस ऐसे ही बारबेक्यू की चीज़ें बाद में, मतलब जो आउटडोर एंड फॉल के लिए जब लोग करते हैं समर में वगैरह करते हैं, ऐसे ही घूमने को आए हम लोग. बहुत कुछ है यहाँ पे देखने लायक. यहाँ पे बहुत उन लोग ने तगड़ा खर्चा किया है डेकोरेशन पे और थीम में. वहाँ पे दैट इज़ द याको वगैरह, यहाँ पे बैर है और यहाँ पे किसी का तो ऐसा घर है, तो सही से थीम बनाई इन लोग ने. 6:30 और हम लोग को वहाँ पे, मतलब मुझे स्पेशली कुछ भी मिला नहीं अदर दैन दिस जैकेट. सो नाउ वी आर वेरी हंग्री. सो मी एंड बाय द वे गाइस, मीट माय फ्रेंड्स. हाय गाइस, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ यू वांट टू. आई एम जस्ट सुसेगादर था, दैट्स माय यूजर नेम. फॉलो मी. दे बोथ आर फ्रॉम मुंबई. So we just met over Facebook and then decided to. We are super hungry and we are gonna eat poutine, but she's veg, so we both will have chicken poutine. And I'll eat maybe grass. Some veg pizza or something. Sure. Let's go then. We'll continue. Let's go. We'll vlog. Show you around international student life. Taste and tell me how is it? Okay. इसका भी चीज़ खोला है. It is good. खा खा. अरे खा ले. टीस्पून इज इम्पोर्टेंट. सीरियसली, इट्स गुड राइट? इट्स नाइस. पुटीन इज गुड. इट्स रियली नाइस. ओह माय गॉड, इट्स कैनेडियन. आई गॉट दैट केक. आई गॉट दैट स्पाइसी. या इट्स नाइस. गाइस, लाइक इफ यू वांट टू हैव समथिंग स्पाइसी ओवर हियर, यू कैन कम एट टॉपिंग्स एंड हैव दिस जर्क चिकन पुटीन with extra spicy. Wow. You can just tell them at the cash counter. God. Okay guys, I'm ready for this war which is going to be between my stomach and my soul. Wo kal subah pata chalega, cuz I know for a fact that my stomach is going to give my mouth a high five. Your expression says it all. It's quite nice. Because I can smell the spiciness. It's spicy and it's, I love it. 70 years later. ऑफर्स एंड ऑल दैट है यहाँ पे, बट देन लाइक अप टू 60%, 50%, 30% ऑफर्स है, बट देन द प्राइसेस ओवर हियर आर डैम हाई, लाइक 500 एंड ऑल दैट. इफ आई फाइंड समथिंग आई विल टेल यू गाइस. और ये मास्क बार बार नीचे आता है. सही लग रहा है ये वाला. इट लुक्स गुड. It is for around I think 150, and Jack and Jones is, so I trust Jack and Jones. और कैसा है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग कोट है नीचे तक, तो फिर जब अगर यहाँ तक होता है कोट, तो फिर जब हाथ वगैरह ऊपर करते हैं तो वो कोट ऊपर आ जाता है. सो इट इज़ बेटर टू गेट द विंटर क्लोथिंग स्टिल योर थाई हाइट. I'm also thinking to get one for the fall. I know the fall khatam ho raha hai, but then I'm getting it at $40, so why not? But I'm confused ki blue color lo ya white color lo. But I finally got my winter jacket, so I'm set for the winters. ये मॉल में कैसा होता है कि कहीं से भी हम लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है. सो यहाँ से राइट साइड से बस जाने का और लेफ्ट साइड से आने का.
सो ये रूल फॉलो करते हैं यहाँ पे भी, मॉल के अंदर भी जो देख रहे हो बेल, रॉजर्स, फाइडो, टेलिस और ये सब, तो ये सारे फोन ने अपने कॉलिंग वाले ब्रांड्स है। और ये स्कॉशिया बैंक यहाँ पे, जिसका बैंक अकाउंट मेरे पास है। सो रॉजर्स इज़ द वन, नहीं सॉरी, रॉजर्स का फाइडो है, सो फाइडो मैं यूज़ करता हूँ। और टेलिस इज़ द वन जो कि कॉस्टली है, बट देन उसका सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छा है। रास्ते पे तो बहुत बार टेस्ला देखी है, बट देन पहली बार मैं टेस्ला देख रहा हूँ इनके शोरूम में जाके, तो बहुत सही है। मतलब यहाँ पे टेस्ला का शोरूम है और यहाँ पे ऑपोजिट एप्पल का शोरूम है। जब आपका एक गोल ख़त्म होता है टू बाय एन एप्पल प्रोडक्ट, द सेकेंड गोल शुड बी टू बाय फ्रीकिंग टेस्ला ओवर योर। और ये ब्लैक कलर की टेस्ला बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है अंदर। सो अपेरेंटली यू कैन जस्ट गो इनसाइड इफ़ यू हैव मनी, यू कैन गेट योर टेस्ला एंड यू कैन गो होम विद टेस्ला। और यहाँ पे भीड़ देखो भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कम है, बट यहाँ पे ऐसी लाइन लगी हुई है। सो आईफोन 13 के लिए मोस्ट प्रोबेबली। ये मॉल में आने के बाद मैंने ऐसे ऐसे ब्रांड्स देखे हैं ना, जो कि मैं उनके आधों के तो नाम जानता भी नहीं है, जैसे कि फेंडी, उसके बाद बोरेगा, वेनेटा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द नेम्स, बट दीज ब्रांड्स आर रियली फैसिनेटिंग। बहुत सुंदर है, मतलब डेकोर एंड ऑल दैट यहाँ का बहुत ज़्यादा सुंदर है। ब्रांड्स इनको मतलब प्रोनाउंस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, अभी ये वर्स से ऐसे है ना, पर इसको प्रोनाउंस करना और वर्स अच्छे। और फिर वहाँ पे लिखा है मॉन्ट ब्ला, तो फिर उसको मॉन्ट ब्लैक ब्लैंक ऐसा कुछ तो लिखा है, बदल यू हैव टू प्रोनाउंस इट मॉन्ट ब्ला। अलग ही चीज़ है यार ये तो, मतलब सब कुछ। और ये माइकल कूर्स, ये सब पता नहीं मेरे को भाई क्या ब्रांड, ये लड़कियों के ब्रांड है शायद। लुक्स गुड, एवरीथिंग हेयर इन द मॉल लुक्स फैसिनेटिंग एंड इंटिमिडेटिंग एज वेल। तो अगर यहाँ पे आना है तो जेब थोड़ी सी ढीली करनी पड़ेगी आपको, अगर शॉपिंग के नज़रिए से आ रहे हो तो। अगर विंडो शॉपिंग करनी है तो यू डोंट नीड टू वेस्ट अ पेनी ऑन दैट।